दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया जाए मिनिमम सेपरेशन हमारी R है, तो ये Q1 चार्ज ने इस Q2 पे एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज कर लें कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस है ये भी प्लस है, तो इस प्लस वाले ने इस प्लस को धक्का दिया और इस प्लस वाले ने भी इस प्लस वाले को क्या किया, धक्का दिया। यानी कि वन ने इस टू पे जो फोर्स अप्लाई किया तो वह है F2 due to 1, और Q2 ने जो इस पे फोर्स अप्लाई किया वो है हमारा F1 due to 2। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम देखें, सपोज कर लें कि Q1 और Q2 मिनिमम सेपरेशन पे रखे हुए हैं और ये फिक्स हैं, और जैसे ही इनको रिलीज़ किया जाएगा, यानी जैसे ही इनको फ्री किया जाएगा, तब हम देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो वैसे ही ये Q1 चार्ज अब थोड़ा सा मूव करता हुआ यहाँ तक आया, मान लिया ए पॉइंट तक आया, ठीक है, और Q2 जो चार्ज है वो भी रिलीज़ हुआ तो पता चला कि वो पॉइंट बी तक पहुँचता है, ठीक है। अब वो यहाँ न रह करके अब वो यहाँ आ गए हैं, ऐसा होगा क्योंकि धक्का दे रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात है उधर जाएगा। हम अगर ये देखें कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज ऐसा है कि जैसे कोई एक चार्ज्ड स्फेयर मान लें या कोई चार्ज्ड बॉडी मान लें जिसका मास m1 और इसका मास m2 है। कंडीशन ये है कि अगर m1 बड़ा है किससे, m2 से, तब हमें देख रहे हैं कि ये इसे धक्का तो देगा, तो उतने ही फोर्स से ये भी इसको धक्का देगा। देखिए जो पॉइंट हम कुलाम सलामे पढ़ रहे हैं, इनको आप बहुत सीरियसली पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा, सुनते रहिएगा, कि इसने इस पे जितना भी फोर्स अप्लाई किया, धक्का दिया, तो Q2 चार्ज ने भी Q1 पर भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। अब वहाँ पे Q1 Q2 चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उनकी क्वांटिटीज अलग अलग हो, लेकिन फिर भी Q1 ने Q2 पे जो फोर्स अप्लाई किया है, Q2 भी Q1 पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या ये क्रिया प्रक्रिया का नियम है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है कि जितना फोर्स हम एक बॉडी पे लगाएंगे तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। यानी कि एक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कूलाम्स लॉ हमारा ये एक्शन रिएक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। देखिए कई सारी बातें सामने निकल करके आ रही हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव और ये एक पॉजिटिव चार्ज या दूसरे पॉजिटिव चार्ज के बीच या दोनों चार्जेस के बीच जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक दूसरे पे वो फोर्स अप्लाई करेंगे वो सेम होंगे। यानी कि इसने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया F2 due to 1, इसने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया F1 due to 2, ये दोनों सेम वैल्यू में होंगी, इनके मास चाहे जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन M1 बड़ा है M2 से, तो अगर मान लिया जाए कि ये बड़ा है, भारी है, जब ये इस पे 2 न्यूटन का बल लगाया तो पता चला कि ये यक्स डिस्टेंस तक कवर किया उसने, या मान लिया X2 डिस्टेंस उसने कवर की, और Q2 ने भी इस पे 2 ही न्यूटन का बल लगाया तो उसने X1 डिस्टेंस कवर की। अब जरा आप बताइए X1 बड़ा होगा कि X2 बड़ा होगा, बताओ भाई, या ऐसे लिख लें X1 इज ग्रेटर देन X2, X1 इज लेस देन X2, कि X1 बराबर है X2 के। कॉमन सेंस हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा तो बहुत जल्दी आप आंसर दे देंगे कि ये भारी है, जब 2 न्यूटन का बल इसने इस पे लगाया तो ये X2 डिस्टेंस कवर की, इसने भी 2 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया, उसने X1 डिस्टेंस कवर की, ये भारी बहुत है, इसका मतलब X1 कम रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे X1 इज लेस देन X2, यानी कि डिस्टेंस उसने कम कवर की, इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिस्टेंस अगर उसने ज़्यादा कवर की तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा इम्पल्स आवेग, इम्पल्स पढ़ा होगा आवेग, आवेग आई इज इक्वल टू डेल पी या F into dt, है ना, IdP, dp बोले तो क्या बोलते हैं, आवेग की परिभाषा क्या है कि संवेग परिवर्तन को ही हम आवेग कहते हैं, या आई इज इक्वल टू डी पी या आई इज इक्वल टू F into dt, क्या है dt।
ये वो टाइम है डीटी, वो टाइम है कि जितने टाइम तक उस गतिमान वस्तु पर बल लगाया गया, जितने टाइम तक, ध्यान रखना इस चीज को। तो यह इसने इस पे जो बल लगाया वो कितनी देर तक लगाया, उतनी ही देर तक लगाया जब तक वो रेस्ट में नहीं आ गया, जब तक वो रेस्ट में नहीं आ गया। तो इधर से भी Q2 ने भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई किया जब तक ये Q1 रेस्ट में नहीं आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टाइमिंग है dt, वही टाइमिंग यहाँ से यहाँ तक की है, यानी कि दोनों ओर टाइम हमारा क्या है dt dt फिक्स है। इधर भी dt टाइम लिया उसने, इधर भी dt टाइम लिया, क्योंकि वो निश्चित समय तक के लिए ही वो बल लग रहा है, और जो बल लग रहा है वो दोनों ओर लग रहा है और निश्चित समय के लिए लग रहा है, यानी कि dt दोनों के लिए सेम है। तो स्वाभाविक सी बात ये निकल करके आई कि अगर इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा रही होगी, तभी तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। यहाँ पे उसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कम रही होगी, तभी उसने कम डिस्टेंस कवर की, भारी भी है, ये भी वजह है। तो इस कंडीशन पे हम क्या देखते हैं कि दोनों ओर फोर्स तो सेम है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर हम लिख लें वन एफ ड्यू टू टू डी टी इज इक्वल टू एफ टू ड्यू टू वन डी टी, बोलो भाई dt भी सेम है, f12 और f22 दोनों ये भी सेम है, तो dt dt कैंसिल, तो क्या बचता है f1 due to 2 is just equal to f2 due to 1। या हम ये देखें कि i is equal to dp, i is equal to dp यानी कि संवेग परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कही जाए तो सब प्रयास, जैसे इसकी वेलोसिटी मान लिया जाए v2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है, तो शुरुआती दौर में क्या था, इनिशियल पोजीशन में वो रेस्ट में था, यानी फिक्स कर लिया गया था। अब जैसे ही रिलीज करेंगे तभी ना वो मूव करेगा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम अगर की बात करें तो m2 v2 माइनस जीरो, यानी कि m2 v2 जिसको हम dp2 कह सकते हैं, और इधर के लिए क्या हो जाएगा dp1 इज इक्वल टू m1 v1। तो अगर ये बराबर हैं आपस में तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो फार्मूला क्या मिलता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, समझे। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये सपोज कर लें 4 ग्राम है, किलोग्राम मान लें, और ये 2 किलोग्राम है, और इसकी स्पीड, इसकी स्पीड सपोज मान लें 4 मीटर या 2 मीटर मान लें, 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी v1 क्या होगी, तो सीधी सी बात है कि 4 इंटू वी वन इज इक्वल टू 2 इंटू वी टू, कितना है 2, तो 2 जा 4, यानी कि v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये भारी है तो यानी 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, चलना चला। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट एक सामने निकल करके बाहर आता है। एक इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, वो ये कि जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि ये x2 डिस्टेंस कवर करेगा और ये x1 डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मान लिया जाए हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, तो आपने क्या देखा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो डिफरेंटिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा m1 dv1 by dt इज इक्वल टू m2 dv2 by dt, ठीक है, ये तो लिखेंगे ना। तो यहाँ से ये क्या है उसका एक्सेलरेशन, यानी कि m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2, ये आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। अगर हम डायरेक्टली यहीं से देखें तो m1 v1 को क्या लिख सकते हैं डी एक्स वन बाई डी टी इजकल टू यम टू डी एक्स टू बाई डी टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डी एक्स वन बाई डी टी, डी एक्स टू बाई डी टी, डी बाई डी टी दोनों से अगर हटा दें तो क्या मिलता है यम वन एक्स वन इजकल टू यम टू एक्स टू, यानी कि अगर हमें यम वन पता है और कितनी उसने डिस्टेंस कवर की वो पता है, यम टू यानी कि इसका मास पता है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो हमें फाइंड करनी है, तो सबकी वैल्यू पुट करके हम x2
फाइंड कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात है, ये निकल करके आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि ये सेंट्रल फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और आपने इसमें क्या देखा कि ये एक्शन रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि दोनों के फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, यानी कि इनका रेशियो जो आएगा वो 1:1 आएगा। तीसरी कंडीशन आपने क्या देखी कि अगर जिसका मास ज़्यादा है और जिसका मास कम है, तो जिसका मास कम है दोनों को रिलीज कर देने पर ज़्यादा मास वाला की वेलोसिटी कम रहेगी, वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, और हल्का जो होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो हमने ये चेक किया, तो चेक करने पर क्या निकल करके सामने आया कि m1v1 = m2v2, यानी कि इन दोनों चार्जेस के लिए जो लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग होगा, वो कंजर्व रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों पे वो डिपेंड करता है, और इन दोनों से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स भी इसमें से बनते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल बताए गए हैं, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है यहाँ पर। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और फिर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक आप तैयार करिएगा।